जल्द ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन आने की संभावना के चलते स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। वैक्सीन के आने के बाद उसे जनमानस को उपलब्ध कराने का एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में शहर की बहुमंजिला सोसाइटियों के निवासी भी अपनी परवाह किए बगैर आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। 7X वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने लोगों की मदद के लिए एक मुहिम शुरू की है। जो लोग पैसे के अभाव के चलते वैक्सीन खरीदने में असमर्थ है, ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आर्थिक मदद देने का जिम्मा उठाया है। सर्वे कर तैयार किया जा रहा है डेटा। 7X वेलफेयर टीम के सदस्य गिरिराज ने बताया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध कराना आसान नहीं है। इसी उद्देश्य से टीम के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि जो जरूरतमंद लोग स्वयं या फिर अपने परिवार को वैक्सीन लगाने में पैसे के अभाव के कारण असमर्थ है, उनकी सहायता की जाए। टीम द्वारा इंटरनेट मीडिया के जरिए सर्वे किया जा रहा है। व्हाट्सएप व ट्विटर के माध्यम से लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर किया गया है, जिसमें लोग स्वयं से असहायों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मदद के साथ अपना विवरण भर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जरूरत के अनुसार उन लोगों से संपर्क किया जा सके। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी दे रहे हैं सहयोग। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक मुकेश वैश्य ने बताया कि कोरोना वायरस को खत्म करने की तैयारी के मद्देनजर हर किसी को इसकी कारगर वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना जांच व मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ साथ 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त में वैक्सीन देगी। इनके अलावा अन्य लोगों को वैक्सीन के लिए न सिर्फ लंबा इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि उसकी कीमत भी उन्हें खुद चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में कई जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें शायद हमसे ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से लेने में असमर्थ है। उन्हें मदद करने वालों का इस सर्वे के जरिए डेटा तैयार किया जाएगा। जरूरत के समय उनसे संपर्क कर असहाय लोगों को मदद की जाएगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।